नमस्कार, सत श्रीकाल दोस्तों, आपका अपने चैनल होने जर्नी प्लान में स्वागत है एवं हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कर्नाटका टूरिस्ट प्लेसेस प्लेलिस्ट में। आज हम आपको एक ऐसी जगह से रूबरू करवाने वाले हैं जिस जगह को देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा और बोलेगा कि मुझे भी एक बार ऐसी जगह पर जाना चाहिए। तो आज हम कारवार से चलकर मंजली पहुंच चुके हैं और आगे हम जा रहे हैं श्रीनाथ देव स्थान मंदिर में, और आपको हम बताने वाले हैं मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारी इस वीडियो में अंत तक और जानिए श्री रामनाथ देव मंदिर के बारे में। दोस्तों, मंदिर के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ आवश्यक जानकारियां दे देता हूं। जैसे कि आपके अपने चैनल होने जर्नी प्लान से स्टार्ट किया है कर्नाटका टूरिस्ट प्लेसेस की वेब सीरीज, जिसमें हम आपको कर्नाटक के अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस की वीडियोस दिखाने वाले हैं। तो आप जल्दी से जल्दी ऊपर आई बटन में क्लिक करके हमारे प्लेलिस्ट पर विजिट करें। दोस्तों, आप अभी देख सकते हैं हम श्री रामनाथ देवस्थान मंजली पहुंच चुके हैं। जी हाँ, ये वही मंदिर है जहां पर हम आने वाले थे। आप यहां पर देख सकते हैं एंट्री के समय में यहां पर मंदिर के बाहर द्वार पे दो मूर्तियां बनाई गई हुई हैं। देखने में कितनी प्यारी लग रही हैं ये दोनों मूर्तियां। मैं आपको पहले दोनों मूर्तियां दिखाता हूं, फिर मंदिर के अंदर ले चलता हूं और मंदिर के बारे में बताता हूं। दोस्तों, आपको हम बता देते हैं, रामनाथ दो शब्दों के मेल से बना एक यौगिक शब्द है जो राम और नाथ है, जिसका मतलब है राम के भगवान, या दूसरे अर्थ में इसका मतलब कहा जाता है कि जिसके स्वामी राम हैं। तो राम जी के भगवान शिव जी हैं और शिव जी के भगवान राम जी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तालाब है, यहाँ पर बहुत सारे कछुए बनाए गए हुए हैं और तालाब के साइड साइड में आप देख सकते हैं पत्थर वाली मूर्तियां रखी गई हुई हैं। अभी आपको तालाब का मेन डोर दिखाते हैं, जहाँ पर कमल और ओम बनाया गया हुआ है, और उसके साथ साथ में आप यहाँ पर देखिए कितने सारे कछुए हैं। एक कछुआ मैं दिखाता हूँ आपको, जो छोटा सा है आगे की तरफ बढ़ रहा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा था। अभी हम मंदिर परिसर के अंदर और चलते हैं और आपको दिखाते हैं मंदिर परिसर पूरे अच्छे से, और आपको बता देते हैं कि ये रामनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के इतिहास के बारे में माना जाता है कि इस मंदिर में शिवलिंग की खोज एक गाय चराने वाले ने की थी। इसकी गाय प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक करती थी, तभी इस मंदिर का निर्माण किया गया, और इस मंदिर का निर्माण एक पहाड़ के बगल में किया गया तथा इस मंदिर परिसर में एक दीप स्तंभ भी है और ग्राम पुरुष जी की प्रतिमा बनाई गई है जिन्होंने इस मंदिर की खोज करी थी। अभी आपको मंदिर के टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। जैसे कि मंदिर के कपाट सुबह 8 बजे खुलते हैं और दोपहर के 1 बजे तक खुले रहते हैं, उसके बाद शाम में 5 बजे खुलते हैं और 8 बजे रात तक खुले रहते हैं। वो आप सामने देख सकते हैं, एक जो ऑरेंज कलर का जिसके ऊपर झंडा लगाया गया हुआ है, वही है दीप स्तंभ, और वहाँ पर सामने से छोटा सा मंदिर बनाया गया हुआ है, वह है ग्राम पुरुष जी की प्रतिमा जहाँ पर लगाई गई हुई है। अभी चलते हैं, सबसे पहले हम आपको ग्राम पुरुष जी की प्रतिमा से मिलवाते हैं और फिर मंदिर परिसर के अंदर चलेंगे, मंदिर के आगे के बारे में बताएंगे और मंदिर का एक ऐसा रहस्य जो आज तक किसी को नहीं पता, वो भी हम आगे चल के बताने वाले हैं। तो पहले आपको ग्राम पुरुष जी से मिलवा देते हैं। आप देख सकते हैं अभी हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं, यह मंदिर अभी बाहर से बंद है, बट यहाँ से हम देख सकते हैं ग्राम पुरुष जी की प्रतिमा कैसे दिखती है, और यही है वो ग्राम पुरुष जिन्होंने इस मंदिर की खोज करी थी। और अभी आप देख सकते हैं पास से मैं आपको दीप स्तंभ दिखा रहा हूँ, यही है वो दीप स्तंभ जहाँ पर बहुत सारे दीप जलाए जाते हैं। मंदिर में एक रहस्य छुपा हुआ है जिसके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, वह यह है कि इस मंदिर परिसर में पर्वत के भीतर से एक पानी की धारा पूरे साल बहती रहती है, जिसे तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जिसकी उत्पत्ति के बारे में कोई नहीं जान पाया आज तक। आप देख सकते हैं यही वह धारा है, यही वह तीर्थ स्थान है जहाँ से पानी हमेशा बहता रहता है, और यहाँ पर पास में कुछ मछलियाँ भी हैं जो इस धारे के साथ यहाँ पर रहती हैं। और यहाँ पर 12 मासी बहती धारा के साथ साथ में कुछ मूर्तियां भी रखी गई हुई हैं। और अभी चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर, मंदिर के अंदर और मंदिर के अंदर की चीजें दिखाते हैं आपको। Thank you.
हमने आपको मंदिर के दर्शन करा दिए हैं और यह मंदिर अपने शांतिपूर्ण और धार्मिक स्थान तथा 12 महीने बहने वाली जलधारा की वजह से आज पूरे विश्व में जाना जाता है तथा यहाँ पर मुख्य रूप से वर्ष में दो त्योहार मनाए जाते हैं। 1 नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाती है तथा फरवरी या मार्च के महीने में शिवरात्रि मनाई जाती है। और अभी हम मंदिर के पीछे एक साइड आ चुके हैं जहाँ पर एक शिवलिंग बनाई गई हुई है, उसके साथ में गणेश जी की स्थापना की गई है और यहाँ पर नाग देवता जी के बारे में भी बताया गया हुआ है। और अभी चलते हैं मंदिर परिसर के बीच में। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह मंदिर परिसर कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक अपने चैनल और हमारे चैनल होने जर्नी प्लान्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से जल्दी अपने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके नोटिफिकेशन में सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए, धन्यवाद आपका।